आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आफ्टर बिफोर वेकेशंस हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू लेसन, लेसन टू, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. आई विल गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाती हूँ, थोड़ा सा क्विक रिकैप करवाती हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज हो जाए. और उसके बाद हम फिर अपना आज का टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ फॉरेस्ट हैबिटेट. अच्छा, सो मूविंग टूवर्ड्स द रिविजन, एडेप्टेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स चेंज देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन एन एनवायरमेंट. एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं ताकि वो एनवायरमेंट में ज़िंदा रह सकें. ठीक है, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. अच्छा, एनिमल्स एंड प्लांट्स अब डिफरेंट हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. वो हमारे पास डेजर्ट हो सकती है वो हैबिटेट, वो हैबिटेट हमारे पास ग्रास लैंड हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकती है, स्नोई हैबिटेट हो सकती है. वो कहीं भी सर्वाइव करें, उस जगह को, वो जगह का वेदर डिफरेंट हो सकता है. जैसे वहाँ का वेदर हॉट है, कोल्ड है, स्नोई है, कुछ भी वेदर हो सकता है वहाँ का. ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास वैरायटीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की होती है. ठीक है, व्हाट हैपन बच्चे बासिम? अच्छा जी, आई होप एडेप्टेशन आपको क्लियर होगी. इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज देयर सेल्फ टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेजर्ट हैबिटेट. ऑल ऑफ यू नो डेजर्ट, डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी हॉट, विच इज़ वेरी ड्राई, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैंड एंड पेबल्स. ठीक, एंड द वेदर ऑफ द डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम. हालांकि इसकी जो इवनिंग्स होती हैं दे आर प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द विंड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एनिमल्स डेट लिव्स इन द डेजर्ट, दे आर कैमल्स, कैंगरू रैट्स एंड स्नेक्स. दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डेजर्ट हैबिटेट्स. एंड द एग्जाम्पल एंड द प्लांट्स एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट इज कैक्टस, विच इज अ डेजर्ट प्लांट एंड विच लिव्स एंड सर्वाइव इन अ डेजर्ट. इन सब एनिमल्स एंड प्लांट्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं ताकि ये डेजर्ट में रह सके. अच्छा जी, आई होप अब आपको मेरी वॉइस आ रही होगी. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट. ठीक, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द डेजर्ट सच एज कैमल, कैंगरू रैट्स एंड स्नेक्स. ठीक है, एंड ऑल दीज एनिमल्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ जिसकी वजह से वो इस हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. इसके अलावा हमने एक और बात भी डिस्कस की थी, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन. तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन इसके नेम से शो होता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी चेंज इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. जब भी हम प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में किसी के बारे में बात करेंगे या किसी बॉडी पार्ट के चेंज के मुतालिक बात करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. एंड वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल एडेप्टेशन. ठीक है, कोई भी चेंज अगर इंसान के प्लांट्स या एनिमल्स के बिहेवियर में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इट इज़ इट्स बिहेवियरल एडेप्टेशन. इसके बिहेवियर में चेंज हुआ है. इसी तरह हमने ग्रास लैंड हैबिटेट पढ़ी थी. ठीक है, ग्रास लैंड हैबिटेट इज़ द एरिया वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रास, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, बहुत ज़्यादा घास होती है, और जहाँ पर बारिश डेजर्ट से बस थोड़ी ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से बिग ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो नहीं करते और वहाँ पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास होती है. लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद होते हैं और उन प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं.
वो क्वालिटीज़ इस वजह से हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ गैज़ल, वट इज़ अ गैज़ल? गैज़ल इज़ अ डियर. ये डियर की एक स्पीशी में से है. और गैज़ल के का जो यूनिक करेक्टरिस्टिक है या गैज़ल का जो क्वालिटी है वो ये है कि उसकी जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी लीन होती हैं, पतली होती हैं. इसके साथ साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो जब भी कहीं से गैज़ल अपने प्रीडेटर को फील करते हैं, यानी कि फील करते हैं कि कोई एनिमल आकर उसको हंट कर रहा है या कोई ह्यूमन हंट करने आया है, तो वो तेज़ी से भागता है, तेज़ी से दौड़ता है ताकि वो अपने प्रीडेटर से, अपने शिकारी से बच सके. ठीक है, इसी तरह वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं एकेशिया, उनमें क्या क्वालिटी होती है? उनमें थॉर्न्स होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कांटे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को हर्बीवोर्स एनिमल्स से बचाते हैं ताकि कोई हर्बीवोर्स एनिमल्स उनके लीव्स ना खा जाए. ठीक है, या उनको हार्म ना पहुँचाए. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा कि डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रासलैंड हैबिटेट में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. ओके जी, आई गेस अब आपको आवाज़ आ रही है. तो मैं आपको ग्रासलैंड हैबिटेट के मुतालिक बता रही थी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रास होती है, ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं होती बिकॉज़ देयर इज़ लेस रेनफॉल. ठीक है, और वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं ताकि वो ग्रास लैंड हैबिटेट में सर्वाइव कर सकें. जैसे कि अभी मैं आपको गैज़ल्स का बता रही थी, जो कि डियर की एक स्पीशी है और जिसकी लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि अगर कोई प्रीडेटर इधर इन अ फॉर्म ऑफ एनिमल और इन अ फॉर्म ऑफ प्लांट सॉरी ह्यूमन अगर उसको अटैक करे तो वो तेज़ी से दौड़ सके. ठीक है, इसी तरह एकेशिया ट्री जो होता है उस पर थॉर्न्स होते हैं, यानी कि उस पर कांटे लगे होते हैं, ताकि अगर कोई भी हर्बीवोर्स एनिमल उसको अटैक करे या फूड के लिए उसकी तरफ आए तो इन थॉर्न्स की वजह से वो उससे दूर हो सके और एकेशिया ट्री अपने आप को बचा सके. सो कमिंग टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक, आवर टूडेज टॉपिक इज़ अबाउट फॉरेस्ट हैबिटेट. And you all are clearly aware about the forest habitat. Forest क्या होता है? आज writing का काम नहीं हो रहा बच्चे, आज reading है. Forest is jungle. और habitat तो आप सबको पता है, habitat यानी कि रहने की जगह. Now first I will do the reading. Forests are found often in an area with a mild temperature. Mild temperature कौन सा होता है? जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बस दरमियाना temperature होता है. ठीक है, write down the meaning of mild, not severe. And a lot of rainfall, वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है. These conditions are ideal for a huge variety of plants and animals. More than half of the land animal species live in forest. Among all types of forest, tropical rainforest have the most variety of the species. अच्छा जी, तो ये कहते हैं कि वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी इतना सीवियर नहीं होता, इस वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स की ज़्यादातर स्पीशी फॉरेस्ट में ही रहती हैं. ठीक है, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मुतालिक हम पढ़ेंगे. रेन फॉरेस्ट आपको पता है, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद ज़्यादा होती है. So I will do the reading. In rainforest, the average rainfall is up to 400 centimeter per year. Underline this, 400 centimeter per year. Now, this large amount of water helps plants to be
thickly populated, but it also decreases the amount of nutrients in the soil. Mostly plants have shallow roots and are insectivores, i.e. they feed on insects. These adaptations help them to grow well. So, चूँकि रेन फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर प्लांट्स को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो कम होती है सॉइल के अंदर. वाई वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स इंसेक्टिवोर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स जो फूड लेते हैं वो इंसेक्ट्स की फॉर्म में लेते हैं. प्लांट्स रूट्स, आपको पता है ना, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को. लेकिन जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो लाइट वो जगह उनके लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं. ले और ज़मीन के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स का फूड वो इंसेक्ट्स होते हैं. है ना कितनी डिफरेंट बात, कि प्लांट्स का फूड इंसेक्ट्स है. प्लांट्स सॉइल से इंसेक्ट्स लेते हैं, इंसेक्ट्स को अपने एज अ फूड यूज़ करते हैं. हालांकि अगर आप नॉर्मल प्लांट्स देखें, नॉर्मल ट्रीज़ देखें, तो वो तो इंसेक्ट्स को एज अ फूड नहीं होते. उनका फूड तो वाटर होता है, उनका फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं. लेकिन चूंकि रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो इस वजह से जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनका जो फूड होता है वो होते हैं इंसेक्ट्स. दे आर इंसेक्टिवोर्स, दे आर इंसेक्ट ईटर्स प्लांट. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हम प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, हम उनमें उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आती हैं. Tall trees cover a large area, forming a canopy that blocks most of the sunlight. Therefore, low-growing plants in rainforest do not need a lot of sunlight to grow. अच्छा जी, canopy. इसका आपने पहले भी जिक्र सुना होगा. rainforest में, चूँकि rainforest में बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से trees की growth ज़्यादा होती है, तो वो मिल के क्या बना लेते हैं, वो मिल के एक आपस में मिल जाते हैं ना बच्चे, आपस में जब वो मिल जाते हैं तो ऊपर से सूरज का रास्ता ब्लॉक हो जाता है. एंड दे फॉर्म अ कैनोपी. कैनोपी ऐसे जैसे लाइक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होती है ना, जैसे कि बिल्कुल ज्वाइन हुआ हुआ होता है सब कुछ ट्रीज से, वो एक जगह कवर होती है. अगर आप वहाँ पर खड़े होंगे तो ऊपर आपको आसमान नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको ट्रीज़ नज़र आएंगे. वो ट्रीज़ आपस में ऐसे मिले होते हैं कि वहाँ से धूप नहीं आ पाती. इस वजह से जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो कि ज़मीन पे होते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है, उन तक धूप नहीं पहुँच सकती. तो अल्लाह ताला ने उन स्मॉल प्लांट्स को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो थोड़ी सी भी सनलाइट जो होती है वो उसमें बढ़ना शुरू कर देते हैं. नाउ वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स. अ टोटन हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड लार्ज बीक to eat fruit easily. Totan is a bird, if you see in the picture. This is a totan. Iski beak dekhe, beak yani ke chonch, kitni big hai, theek hai. Aur ye wo apni beak se kya karta hai, wo apni is beak se fruit easily kha sakta hai, theek hai. Now another one is a hummingbird has a long narrow beak to get nectar from the flowers. Hummingbird is also a bird, and इसकी भी बीट जो होती है वो बड़ी होती है, और उससे वो क्या ले करता है कि फ्लावर्स में जो नेक्टर प्रेजेंट होता है ना, यानी कि जो जूस प्रेजेंट होता है फ्लावर में, उसको वो ईजीली अपने बीट के ज़रिए एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सक कर लेता है. वो नेक्टर हमिंगबर्ड का फूड होता है. इसी तरह जैगवर्स हैव रेजर शार्प टीथ टू टीयर देयर प्रे. जैगवर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टाइगर. दिस इज़ अ जैगवर.
ठीक है, टाइगर की एक फॉर्म होती है और उनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी नोकीले होते हैं, ताकि वो आसानी से अपने शिकार को टियर कर सकें। टियर मींस फाड़ दें। आपको पता है ना, ये लॉयंस एंड टाइगर्स वगैरह पहले अपने शिकार को फाड़ते हैं, यानी कि उसके जिस्म से उसकी स्किन हटाते हैं, फिर उसका मीट खाते हैं। ठीक है, तो उसकी काफ़ी शार्प टीथ होते हैं। Another one is a tinkaju has a long tail that can grab branches and help it to move through trees. Tinkaju is a species of monkey. If you see in the picture, this one, this is a tinkaju. ठीक है, अब उसकी जो tail होती है, it is very long. वो लॉन्ग क्यों होती है? ताकि ये आसानी से ब्रांचेस के ऊपर अपने आप को हैंग कर सके और इट मूव्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। इसके लिए इजी हो सके कि वो वन ट्री से अनदर ट्री तक आसानी से मूव कर सके। अनदर वन इज़ अ कैमिलियन। कैमिलियन को हम कहते हैं उर्दू में गीदर, जो कि अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है। क्या आपको यहाँ पर कोई कैमिलियन नज़र आ रहा है इस पिक्चर में? अगर है तो मुझे बताएं आप फाइंड करके, क्योंकि कैमिलियन अपने आप को बिल्कुल एनवायरनमेंट के कलर के साथ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ब्राउन ट्री ना, अगर यहाँ पे कैमिलियन बैठे तो हमें फील भी नहीं होगा कि इधर कोई कैमिलियन है, बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को कैमोफ्लैज कर लेता है, अपना बॉडी का कलर ऐसे बदल देता है कि हमें फील ही नहीं होता कि वो मौजूद भी है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, किधर है बासिम? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अनदर वन इज़ बटरेस रूट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन एंड प्रोवाइड टॉल ट्रीज अ फर्म बेस। सी, दीज ऑल आर द बटरेस रूट्स, जो कि देखिए दूर दूर फैली हुई दीज वन दे They all are the buttress roots, and they are used by the plant to stand in a firm base. यानी कि stand straight भी नहीं और मजबूती के साथ खड़ी रह सके। ठीक है, I hope आपको समझ आ गया out of forest habitat. अभी हमने पढ़ी थी structural adaptation. Now turn the page. We will read about the behavioral adaptation of the animals and plants in the forest habitat. Animals and plants have developed certain behaviors either to catch their prey or to be safe from predators. ठीक, behavioral adaptation यानी कि अब इसमें plants और animals के behavior के मुतालिक बात होगी। Animals and plants have developed certain behaviors either to catch their prey or to be safe from the predator. अब animals और plants behaviors क्यों apply करते हैं? ताकि वो अपने आप को different predator से बचा सकें। जैसे हमारे पास first example है, a jaguar can climb trees to attack its prey. Jaguar, हालांकि ये tiger है, पर इसके पास क्या quality है कि ये tree climb कर सकते है, ट्री पे चढ़ सकता है ताकि अपने शिकार पे अटैक कर सके। हाउलर मंकीज आर द लाउडेस्ट लैंड एनिमल्स। दे यूज देयर लाउड वॉइस टू कम्युनिकेट एज इट इज़ डिफिकल्ट टू सी थ्रू द थिक फॉरेस्ट। क्यों? ये वहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से रात के अंधेरे में नज़र नहीं आता, तो हाउलर मंकीज की जो वॉइस होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, ताकि वो अपने फेलो एनिमल्स के साथ, फेलो मंकीज के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बात कर सकें, कोई अपनी लैंग्वेज में वो बात कर सकें। ठीक है, द थ्री टोड स्लॉथ इज़ द स्लोएस्ट एनिमल। प्रीडेटर्स कैन नॉट इवन नोटिस इट ड्यू टू इट्स स्लो मूवमेंट एंड बॉडी कलर। स्लॉथ इज़ ऑल्सो एन एनिमल। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि इसके जो प्रीडेटर है, जो शिकारी है, वो इसको नोटिस ही नहीं कर पाता। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, इट इज़ वेरी स्लो, इट मूव्स वेरी स्लोली। द लास्ट वन इज द वीनस फ्लाई ट्रैप अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स थ्रू इट्स कलर एंड स्वीट स्मेल्ड नेक्टर। इट हर्ट्स इट्स लीव्स
as an insect approaches it. If you see in the picture, this is a Venus fly trap. This is a plant. अच्छी इसकी क्वालिटी क्या है, अगर आप देखें तो इसका मुंह खुला हुआ है और इससे बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, ठीक है, बहुत स्वीट सी स्मेल आती है और उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जैसे ही तो इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है ये अपना मुंह फौरन बंद कर देती है। अभी तो ये ओपन है ना, जैसे इसके अंदर कोई इंसेक्ट आके बैठता है ये अपना मुंह क्लोज कर देती है और इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो द टाइम ऑफ द क्लास इज़ ओवर, इंशाल्लाह ताला कल हम आगे पढ़ेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।